नमस्कार दोस्तों, तो Realme X7 और X7 Pro लॉन्च किए हुए ऑलरेडी 6 महीने हो चुका है। तो इसका मतलब अभी किसी भी समय Realme X9 और X9 Pro आने वाला है। और आज मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि Realme X9 और X9 Pro इसी महीने चाइना पे आने वाला है और उसके 1-1.5 महीने के अंदर इंडिया पे भी आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये जो Realme X9 और X9 Pro में इस बार हमें क्या क्या डेवलपमेंट मिलेगा कंपेयर टू पिछले वाले एडिशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सबसे करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। पहले तो हम बात करेंगे डिजाइन के बारे में। अब देखिए टीना सर्टिफिकेशन साइट में रिसेंटली ये वाला स्मार्टफोन आया था। कहा जा रहा है कि यही दरअसल Realme X9 और X9 Pro है, मतलब डिजाइन के मामले में एग्जैक्टली जो Realme X7 था उसके जैसे हमें डिजाइन देखने को मिलेगा। इस बार दोनों स्मार्टफोन का जो थिकनेस वो होगा 8.1 मिलीमीटर और वेट होगा 175 ग्राम के आसपास। और मुझे Realme का यही चीज सबसे बढ़िया लगता है, हो सकता है कि Realme हमें 6000 या फिर 7000 एमएएच बैटरी प्रोवाइड नहीं करता लेकिन स्मार्टफोन का वेट बहुत ही कम रहता है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करें, इस बार आपको मिलेगा 6.55 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। अब इसका जो हाई रिफ्रेश रेट इसका मतलब 90Hz या फिर 120Hz इसके बारे में कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन क्योंकि पिछले वाले एडिशन में हमें 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिला था तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि इस बार भी आपको 120Hz रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। और जो फ्रंट कैमरा वो होगा सेंटर पंचोल कैमरा और इसके डिस्प्ले में आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। कैमरे की अगर बात करें आपके लिए टोटल 3 इन्फॉर्मेशन है। कहा जा रही कि जो X9 Pro इसमें आपको 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। और मैं यही चीज कह सकता हूँ कि रिसेंट टाइम में स्मार्टफोन कंपनी जो हमें 4-4 कैमरा दे रहा था उसके बजाय अभी हमें 3 कैमरा देगा, लेकिन अच्छा खासा 3 कैमरा देगा। और ये जो 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप ये दरअसल होगा 108, 8 और 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और फ्रंट में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। लेकिन जो X9 वाला एडिशन उसमें आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप उसके साथ 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। और कहा जा रहा है कि एक और एडिशन आ सकता है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। वेरिएंट की अगर बात करें आपको इसमें 6GB, 8GB और 12GB रैम वेरिएंट उसके साथ 128 और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में आएगा। क्योंकि इस बार हमें Dimensity सीरीज का प्रोसेसर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली इसमें आपको LPDDR5 क्वालिटी का रैम या फिर ऐसा भी हो सकता है कि LPDDR5 एनहांस्ड क्वालिटी का रैम और उसके साथ आइदर UFS 3.1 का स्टोरेज या फिर UFS 3.1 एनहांस्ड क्वालिटी का स्टोरेज देखने को मिलेगा। और Realme के इस प्राइस रेंज के हर एक स्मार्टफोन के जैसा इसमें भी आपको SD कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ आपको 3.5mm जैक का सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं उसमें भी थोड़ा सा डाउट है। लेकिन ये दोनों स्मार्टफोन का जो सबसे मेन चीज वो होगा इसका प्रोसेसर। इसका जो लोअर एडिशन जो कि है Realme X9 उसमें आपको 100% देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर जो कि Realme ने खुद टीज कर दिया है कि इसके ऊपर एक स्मार्टफोन इसी महीने आने वाला है। तो इसका मतलब Realme X9 पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 778 प्रोसेसर जो कि दरअसल स्नैपड्रैगन 780G का ही थोड़ा सा डाउनग्रेड वर्शन है। और जो हायर वाला मतलब X9 Pro उसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर जो कि लिटरली स्नैपड्रैगन 865 प्लस का एक दूसरा नाम है। मतलब यही चीज कह सकते हैं कि इस बार दोनों स्मार्टफोन में प्रोसेसर एकदम बेस्ट क्वालिटी का होगा। इसके बाद अगर हम इसके बैटरी के बारे में बात करें आपको इसमें मिलेगा 4500mAh बैटरी उसके साथ 65W का फास्ट चार्ज और कनेक्टिविटी होगा एज यूजुअल USB टाइप सी। तो अब जो सबसे मेन चीज ये जो दोनों डिवाइस कब लॉन्च होने वाला है चाइना पे, कब इंडिया पे आने वाला है और क्या होगा इसका प्राइस। देखिए अभी तक मुझे इतना इन्फॉर्मेशन मिला है 18 जून मतलब इसी महीने 18 तारीख को चाइना पे लॉन्च होने वाला है और उसके 1 या 1.5 महीने के अंदर इंडिया में भी आ जाएगा। तो अगर हम इंडिया लॉन्च डेट के बारे में बात करें जितना मुझे लग रहा है जुलाई महीने के एग्जैक्टली लास्ट वीक पे इंडिया पे लॉन्च हो जाना चाहिए अगर Realme उसे जल्दी लॉन्च करता है तो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पोको या फिर Xiaomi कंपनी जो भी चीज़ बाहर के देश में लॉन्च करता है उसके 1 महीने के अंदर वो इंडिया पे भी लॉन्च कर देता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो X9 और X9 Pro इंडिया पे जुलाई महीने के लास्ट वीक से पहले अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें अब देखिए पिछले वाला जो Realme X7 वो इंडिया पे लॉन्च हुआ था एग्जैक्टली 20,000 रुपए पे और जो Realme X7 Pro वो इंडिया पे लॉन्च हुआ था 30,000 पे। लेकिन आपने ये चीज देखा है कि जो नया वाला Realme X7 Max लॉन्च हुआ है वो Realme X7 Pro से बेटर स्मार्टफोन है लेकिन फिर भी 2,000 रुपए कम में लॉन्च हुआ है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो Realme X9 जिसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 778G वो इंडिया पे लॉन्च होगा 20,000 से 23,000 रुपए के अंदर। क्योंकि आपको तो ये चीज जरूर मालूम है कि पोको Dimensity 1100 और 1200 के साथ दो स्मार्टफोन उसी
इसी प्राइस रेंज में लॉन्च करने वाला है, और आईको भी एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट में आईको 7 लाइट लॉन्च करने वाला है, और मोटरोला भी अपना मोटरोला G100 जिसमें भी मिलेगा स्नैपड्रैगन 870 वो भी एग्जैक्टली सेम प्राइस रेंज में लॉन्च करने वाला है। तो इसीलिए वो सभी स्मार्टफोन के साथ कॉम्पीट करने के लिए रियलमी X9 स्नैपड्रैगन 770G के साथ बहुत ही जल्द इंडिया पे उसी प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है। और अगर हम इसके प्रो वाले एडिशन के बारे में बात करें जिसमें भी मिलेगा स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, मुझे लग रहा है कि इंडिया पे उसका प्राइस होगा 30,000 से 35,000 रुपीज के बीच में, क्योंकि अगर उस प्राइस में होता है तभी वो स्मार्टफोन एकदम जस्टिफाइड होगा। तो अभी रियलमी X9 और X9 प्रो के बारे में टोटल यही सारे कॉन्फर्म इन्फॉर्मेशन मिला है। वैसे आप मुझे जो कमेंट में बताइए कि इसका प्राइस और स्पेसिफिकेशन आपको कैसा लगा वो मैं जरूर देखना चाहूंगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।